तो दोस्तों आप किसकी बात करने वाले हैं? हम बात करने वाले हैं एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री की। ठीक है, अभी एग्रीकल्चर इंडस्ट्री क्या है वो देखते हैं। ठीक है, देखिए दे आर मूव हैंड टू हैंड, यानी ये एग्रीकल्चर जो है, ठीक है, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री है, ठीक है, कौन सी एग्रीकल्चर इंडस्ट्री, ये हार्ट हैंड टू हैंड मूव करती जाती है। ठीक है, यानी कि पहले हमारे हाथ में, फिर तुम्हारे हाथ में, फिर मतलब किसी और, मतलब जो है। ठीक है, तो ये कौन सी इंडस्ट्री में, एग्रीकल्चर में। ठीक है, अब दे डिपेंड ऑन द रॉ मटेरियल। ठीक है, अब ये जो इंडस्ट्री है ये किस चीज पे डिपेंड करती है, रॉ मटेरियल पे डिपेंड करती है। ठीक है, कोई भी इंडस्ट्री है, कोई भी कंपनी है, कोई भी फैक्ट्री, कोई भी स्टार्टअप है, किस चीज पे डिपेंड करता है, वो करता है हमेशा रॉ मटेरियल पे डिपेंड। ठीक है, अगर उसे रॉ मटेरियल मिलेगा तो प्रोडक्ट बनेगा, किस चीज का, रॉ मटेरियल का, किस चीज में बनेगा, वैल्यूएबल प्रोडक्ट। ठीक है, और वैल्यूएबल प्रोडक्ट कहां, अगर मतलब उसकी अगर खपत होगी तो मतलब इंपोर्ट भी हो सकता है वो। ठीक है, वो एक्सपोर्ट भी हो सकता है, या फिर कह सकते हो उसका रॉ मटेरियल जो है इंपोर्ट भी कराया सकता है, इंपोर्ट भी कराया जा सकता है। यानी कि जिस चीज से वैल्यूएबल प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है, उस चीज का रॉ मटेरियल हमारे इंडिया में नहीं है, वो फॉरेन कंट्री में है। ठीक है, तो उसको इंपोर्ट करके उस चीज को वैल्यूएबल प्रोडक्ट बना के वो चीज एक्सपोर्ट भी हो सकती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम किस चीज पर डिपेंड करते हैं, वो करते हैं रॉ मटेरियल पर डिपेंड। ठीक है, अब रॉ मटेरियल लाइक जैसे इरिग्रेशन, फार्मर्स के लिए बात करते हैं, किस चीज के लिए करते हैं, फार्मर्स के लिए, यानी कि किसान के लिए। ठीक है, तो इरिग्रेशन पंप्स हैं, ठीक है, इरिग्रेशन पंप्स यानी कि जो ट्वेल्स हैं, ठीक है, और समरसेबल्स हैं, इसको मतलब इरिग्रेशन पंप्स बोलते हैं, यानी कि पाइप जो होते हैं, ठीक है, कॉलम्स वगैरह। और फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर में क्या है, देखिए फर्टिलाइजर में यूरिया, ठीक है, यूरिया हो गया, यूरिया, एनपीके, ठीक है, और काफी चीजें हैं जो मतलब केमिकल चीजें, मतलब केमिकल चीजें जो युक्त होती है उसे फर्टिलाइजर बोलते हैं, जो मतलब खाद वगैरह होता है। ठीक है, यार वगैरह हो गया, काफी सागरी का मतलब बहुत सारे खाद से जो फर्टिलाइजर में यूज होते हैं। ठीक है, फिर हमारा पेस्टिसाइड, पेस्टिसाइड भी है, ठीक है, पेस्टिसाइड हो गया, जैसे हमारा यार वगैरह, जैसे एक नई कंपनी है ये नटेरा जो पेस्टिसाइड की, तो मैं आपको बताऊं कि उसका नाम है नटेरा, नटेरा कंपनी जो है। ठीक है, ये जो नटेरा है ये किस चीज से रिलेटेड है, पेस्टिसाइड से रिलेटेड है। ठीक है, और ये प्लास्टिक पाइप्स, प्लास्टिक पीवीसी पाइप्स की भी खुद जरूरत होती है एग्रीकल्चर, मतलब जो फार्मर्स होते हैं उन चीज के लिए, किस चीज के लिए, एग्रीकल्चर, किसको, फार्मर्स को, किस चीज जरूरत होती है, प्लास्टिक पाइप की। ठीक है, और मशीन्स की होती है, ठीक है, मशीन से काफी चीजें, मशीन से जो मतलब मोटर्स होगी, ठीक है, अभी जो मतलब 12 मोटर होगी, 12 मोटर्स, ये जो आएंगी, ठीक है, ये आएंगे हमारे फार्मर्स में। ठीक है, यानी कह देते मतलब एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में। ठीक है, एट सेक्टर बहुत सी चीजें, दे नीड टू फार्मर्स, यानी कि जो हमारे किसान के लिए जरूरत है। ठीक है, अब किसान के लिए किस किस की चीज की जरूरत है, जैसे मोस्टली जो किसान रॉ मटेरियल पे डिपेंड करते हैं, ठीक है, जैसे लाइक इरिग्रेशन पाइप्स, ठीक है, क्या इरिग्रेशन पाइप्स, ठीक है, फर्टिलाइजर, फिर है पेस्टिसाइड, फिर प्लास्टिक पाइप, फिर मशीन्स एटसेट्रा, मतलब बहुत सी चीजें हैं। ठीक है, जो मतलब एक किसान के लिए, मतलब खेती करने के लिए उसे जरूरत पड़ती है। ठीक है, ये हमारा एग्रीकल्चर इंडस्ट्री की। अभी जो प्रोसेस, अब इन द प्रेजेंट डे, मतलब आज के दिन में ग्लोबलाइजेशन, ठीक है, तो आज के दिन में जो ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, ठीक है, वो बहुत ही मतलब कॉम्पिटिटिव होता जा रहा है आज के मामले में। ठीक है, कॉम्पिटिटिव होता है, प्लस इफिशियंटी, यानी कि हार्ड होता जा रहा है लोगों के लिए। ठीक है, तो क्या हो रहा है, देखिए आज देख सकते हो, इन द प्रेजेंट डे, यानी कि आज के दिन, आज के दिनों में, इन द प्रेजेंट डे वर्ल्ड ग्लोबलाइजेशन, अवर इंडस्ट्री नीड टू बिकम मोर इफिशियंट एंड कॉम्पिटिटिव, यानी कि जो हमारी जो इंडिया की जो इंडस्ट्री है, कौन सी इंडस्ट्री है, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री, ठीक है, इसे मतलब बहुत ही मतलब इफिशियंट और बहुत ही कॉम्पिटिटिव कह सकते हैं, मतलब फील्ड में अभी मतलब इतनी ग्रोथ नहीं है, लेकिन अगर करते रहेंगे तो मतलब ग्रोथ करने के लिए मतलब बहुत ही इफिशियंट और बहुत ही कॉम्पिटिटिव चीज़ों से लड़ना पड़ेगा। ठीक है, आज के मामले में जिस हिसाब से आज मतलब टेक्नोलॉजी है, ठीक, तो आई होप यू हैव टू अंडरस्टैंड। ठीक है,
तो जो दूसरा जो टॉपिक होगा हमारा वो हमारे लोकेशन इंडस्ट्री, यानी कि जो इंडस्ट्री है उसकी लोकेशन खासकर कहाँ होनी चाहिए। ठीक है, आई होप यू हैव टू अंडरस्टैंड। तो थैंक यू।